हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का लैक्सल ट्रेवल्स के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग ने अपना जो ट्रेन जर्नी है वो आनंदपुर साहिब पे एंड किया था, और अभी इसलिए भाई मैं हूँ आनंदपुर साहिब में और यहाँ सभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ विरासते खालसा म्यूज़ियम में, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस प्लेस है। अब वो फेमस क्यों है, वहाँ क्या एंट्री है, क्या क्राइमिंग है, सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा। और वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और ये वीडियो को हम लोग जल्द से शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे कि बताया कि मैं जा रहा हूँ अभी विरासते खालसा स्टेट म्यूज़ियम में। अब ये क्यों फेमस है वो मैं बताता हूँ आपको। जो सिख का जो स्केयर्ड रिलीजियस बुक है खालसा, जिसका जिसमें सब कुछ नाम है सिख का, उसका स्थापना आनंदपुर साहिब में ये विरासते खालसा में हुआ था। तो वहीं इसी कारण से ये जगह फेमस है, वो यहाँ पर वो खालसा रखा हुआ है। और बाकी सब चीज़ जो सिख रिलीजन से रिलेटेड है वो सभी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इसी कारण से हम लोग आज जा रहे हैं, और आज गुरु पर्व भी है, यानी गुरु नानक जी जिनका जो फर्स्ट गुरु है उन्होंने ही यहाँ पर जाके खालसा पंथ का एस्टैब्लिशमेंट किया था। और साथ ही साथ जो यहाँ का मेन गुरुद्वारा है जो कि है विरास केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा, वो भी एक यहाँ का मेन गुरुद्वारा है। तो वो हम लोग जाएंगे शाम में यहाँ से निकलने के बाद, तो उसका मैं भी आप लोग को अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा हम लोग करीब करीब 1.5 किलोमीटर चलना है यहाँ पर आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन से, और शायद हम लोग को एक पास भी लेना रहता है। और मैं आप लोग इसका टाइमिंग बता देता हूँ। ये म्यूज़ियम का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो अभी चलिए, अभी करीब करीब हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं, अभी देखते हैं और कितना आगे आना है। और तो हम लोग जो है ये देख सकते हैं, हम लोग विरासत खालसा का दरवाज़ा पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो हम लोग को एंट्री करना है, और अभी यहाँ पास का कहाँ पर मिलेगा वो हम लोग वहाँ जा कर पता करते हैं और कैसे कैसे डिटेल्स हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हैं हम लोग अब अंदर आ चुके हैं विरासत, ये जो गेट था वो गेट से अंदर आए थे हम लोग। और हम लोग को अभी सबसे पहले जाना है पार्किंग में, क्योंकि वहीं पर टिकट काउंटर भी है जहाँ से हम लोग टिकट ये सब लेना होगा। और यहाँ का जो टाइमिंग है वो है एग्जैक्ट टाइमिंग है 10 AM to 4 PM, जो 8 to 5 है वो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, बट एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो है 10 AM to 4 PM। तो आप इसी के टाइम बीच में आए, और अभी देखते हैं पार्किंग किधर है कि पार्किंग सेंटर इधर है, पार्किंग इधर है, फिर हम चलते हैं पार्किंग तरफ, देखते हैं क्या है। ऑलराइट, तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, और ये सामने देख सकते हैं जो बिल्डिंग्स है यही म्यूज़ियम की बिल्डिंग्स है। और वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो खाने का पॉइंट है कि आप लोग कुछ खाइए अंदर में ही। इधर आपका बाथरूम हो गया, और यहाँ पर जो है आपका टिकट काउंटर है, और यहाँ पर आपको जो पास मिलता है वो पास फ्री है, और पास जो है वो आपको आपके मोबाइल पे ही आ जाएगा। आपको अपना डिटेल्स पूछेंगी वो, और आपका आईडी देखेगी जो वहाँ देखेंगे या देखेंगे जो भी यहाँ पर काउंटर पे रहेंगे, और आपके मोबाइल पे ही आपका पास आ जाएगा। तो अभी हम लोग अपना पास कहीं वेट कर रहे हैं आने का, और तब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा मौसम है, पूरा पेड़ों के नीचे छाँव धूप, हल्का छाँव हल्का धूप है, तो आराम से बैठे हुए तो बैठते हैं और फिर आगे इंतज़ार करते हैं। ऑलराइट, तो एंट्री करने के बाद हम लोग को ये जो सरोवर आप देख रहे हैं ये पूरा लेक जो है यहाँ से लेक से के थ्रू जाना रहेगा, और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं यही ब्रिज को क्रॉस करके यही से एंट्री गेट है, वहाँ से हम लोग जाना रहता है। और यहाँ पर पूरा ही गार्डन टाइप का बना हुआ है, आप लोग यहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हैं।
ऑल राइट एवरी वन, सो हम लोग अब विरासत खालसा से बाहर हो चुके हैं और जो अभी आप लोगों ने देखा वो कुछ झलक था अंदर का। और सॉरी मैं आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पाया क्योंकि अंदर जो है वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं था, इसी का आप लोग पूरा नहीं दिखा पाया। और हम लोग ने इसके अलावा जो है कुछ शॉपिंग्स भी की है जो यहाँ का सोवेनियर म्यूजियम था वहाँ से, तो उन्होंने ये कॉफ़ी रखने वाला लिया है और साथ में कीचेन भी है जो कॉम्बो में था। इसका प्राइस हम लोग को 125 रुपीज़ पड़ा, जो प्रिंटेड है वही प्राइस मिलता है आपको यहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ से निकल रहे थोड़ा देर रुक के। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम लोग फाइनली विरासत खालसा जो है वहाँ से पूरा बाहर आ चुके हैं, गेट से बाहर आ गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ पर आसपास में ये सब है खाने का है, तो हम लोग वही खाने जा रहे हैं। और उसके बाद आके फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ जाना है, गुरुद्वारा जाना है कि और भी कोई जगह है, वहाँ जाएंगे पहले। तो तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लूटता हूँ। और विदा लेने से पहले मैं आप लोग को मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कैसा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ आप लोग आइएगा तो आप लोग आराम से 2 to 3 hours इनफ है
यहाँ पर स्पेंड करने के लिए, और आपको यहाँ पे जो है पूरा जो भी खालसा पंथ है उसका पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा, यानी पूरा हिस्ट्री जान सकते हैं आप। और आप लोगों को काफ़ी इंटरटेनिंग भी लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका से जो है यहाँ पर बताया गया कि वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके लेज़र लाइटनिंग शो का टेक्निक यूज करके बताया गया है। तो आप लोग 2-3 घंटा आराम से यहाँ स्पेंड कर सकते हो, और आपको बस वही कि थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। अगर आप चल सकते तो आप आराम से कर सकते हो। और हाँ, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ अलाउड नहीं था, इसलिए आपको अंधकार नहीं दिखा पाऊँगा पाया हूँ, जब दिखा पाया तो दिखा पाया। और इसी के साथ जो है मैं आप लोग से विदा लेता हूँ इस वीडियो में थोड़ा देर के लिए, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।